हेलो फ्रेंड बारिश का मौसम है और ढेर सारी हमको कटिंग लगाना थी ढेर सारी प्लांट लगाना था लेकिन हम प्लांटर खरीदना नहीं चाह रहे थे तो सोचिए कि जब हमको जिस चीज़ की ज़रूरत हो और वो हमको ढेर सारी चीज़ मिल जाए तो सोचिए कि वो हमारा खजाने से कम नहीं होता है देखिए इस तरह के बेकार के जो सामान होते हैं कबाड़ होते हैं या जिनका कोई यूज़ नहीं होता है और फेंक दिए जाते हैं लेकिन जब वही चीज़ जब हम लोग कोई डी करते हैं या कुछ इस तरह का काम करते हैं कि हम बेकार सामान से कुछ नया कर सकें तो जब ये चीजें हमको मिल जाती हैं ना तो ये खजाने से कम नहीं होती हैं तो देखिए हमको ढेर सारे मिले हैं ये मिल्क पाउडर के डिब्बे जिससे कि अब हम ढेर सारे प्लांटर बनाएंगे वैसे तो हम प्लांटर लेना नहीं चाहते रहे थे और कोशिश थी कि, कि कुछ इस तरह से हमको मिल जाए तो हम अपने कटिंग और प्लांट के लिए तैयार कर सकें इनको देखिए इसके ढक्कन भी हैं तो इनको भी हम बिल्कुल नहीं फेंकेंगे इनसे कुछ ना कुछ तो करना ही है तो सबसे पहले देखिए इधर पर एक ले लिया है पूरे तो नहीं बनाएंगे जितना हो सकेगा उतने ही डिब्बों का हम यूज करेंगे तो इधर पर देखिए सबसे पहले व्हाइट कलर हमने किया था जो कि उस पर अच्छे से नहीं आ रहा था लेकिन उसके बाद फिर हमने एक्रेलिक कलर का रेड कलर किया जो कि का, काफी अच्छे से आ गया था तो चलिए बनाना शुरू करते हैं और आज जो भी प्लांटर हमने बनाए हैं तो वो काफ़ी इजी हैं और बहुत जल्दी से बन गए थे ज़्यादा समय उस पर नहीं लगा था तो देखिए इधर पर हमने एक्रेलिक कलर एक प्लेट पे ले लिया है साथ में उसमें फ़्लावर को डिप किया है और इस तरह से करना है कि पेटल पे सारे पे आ, कलर लग जाए उसके बाद थोड़ा इस तरह से उंगली से हल्के हाथ से प्रेस करिए ज़्यादा नहीं प्रेस करना है नहीं तो क्या होगा कि फ़्लावर उसी में चिपक जाएगा और पेटल्स उसी में चिपक के रह जाएंगे इसलिए हल्के हाथ से उसको प्रेस करिए और उसको इस तरह से आराम से उठा लीजिए तो आप देखेंगे कि उसमें जो फ्लावर है तो वो उसमें आ जाएगा ये देखिए इस तरह से और यदि एक बार में नहीं आ रहा है तो आप उसको दोबारा भी कर सकते हैं बस थोड़ी सी सावधानी की ज़रूरत है कि पेटल पर पे पेटल आ जाए जा जिससे कि ये अच्छे से बन जाए और आप देख सकते हैं कि इसमें बिल्कुल ज़्यादा समय नहीं लगा था फटाफट से बन गया था और काफ़ी मज़ा भी आया था तो यदि आप ब्रश वग़ैरह चलाना नहीं आ रहा या आप ऐसा करना चाहते हैं कि बहुत जल्दी से आपके प्लांटर बन जाए तो आप इस तरह से अपने प्लांटर बना सकते हैं तो देखिए इस तरह से समय कम लगा और काफ़ी सरल तरीके से बनाए गए हैं और अपने गार्डन को आप कलरफुल बना सकते हैं तो इधर पर आज बारिश बहुत तेज़ हो रही थी जब भी हमने कोई प्लांटर बनाना चाहा है उसे प्लांट लगाना चाहे तो उस दिन जरूर ढेर सारी बारिश हुई है तो आज भी बाहर बारिश काफ़ी हो रही है तो इसमें हमको लगाने हैं कुछ आ, कलम लगाएंगे मतलब कटिंग लगाएंगे और साथ में कुछ हम इसमें प्लांट भी लगाना है तो अभी हम कुछ इस तरह से आपको दिखा दे रहे हैं कि इसमें हमने फिर प्लांट लगाया हुआ है और यह काफी अच्छा लग रहा है इसके बाद चलिए दूसरा बना लेते हैं तो इधर पर हमने किया है ब्लैक कलर ब्लैक कलर डिब्बे पे बहुत अच्छे से आ गया था लेकिन फिर भी हमने डबल कोट किया था इसके बाद देखिए बच्चों ने गोला अपनी फोड़ी थी और हम कोई भी चीज़ नहीं फेंकते ये आपको कई बार बता चुके हैं तो इसको कुछ इस तरह से रख लिया था और अब हम इस प्लांटर में इसका यूज़ करेंगे तो सबसे पहले इसको हमने इस तरह से फोड़ लिया था छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया था आप चाहें तो यदि पुराने दिए वग़ैरह हैं या फिर मटकी वगैरह है तो उसका भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं तो देखिए फूटी गोलक का भी इधर हमने यूज़ कर लिया है इनको छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से तोड़ लिया था इसके बाद लगाएंगे ढेर सारा फेविकोल और आप ग्लूगन से भी लगा सकते हैं लेकिन फेविकोल से भी बहुत अच्छे से चिपक गया था बस ये ध्यान रखना है कि उसको चार पांच घंटे के लिए बिल्कुल छोड़ दीजिए चिपकाने के बाद उसको बिल्कुल छेड़छाड़ ना करिए और ये बस इस तरह से हमने दो बार में किया था एक बार एक साइड लगा दिए थे और इसको छोड़ दिया था फिर दोबारा हमने दूसरी साइड लगा के छोड़ दिया था इसके के बाद आप देखेंगे कि ये बहुत अच्छे से इसमें चिपक गए थे पहले हमको लग रहा था कि पता नहीं इतने मोटे हैं ये चिपकेंगे कि नहीं लेकिन बहुत अच्छे से चिपक गए थे और इसके बाद हमने एक्रेलिक कलर किया था और इसमें बहुत सारे कलर फिल किए थे जिसके कारण कि ये काफ़ी अच्छा बहुत ही कलरफुल हो गया था और देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा था और सारे में ही हमने एक्रेलिक कलर किया है बारिश का मौसम है इसलिए हमने ऑयल पेंट नहीं किया है क्योंकि सूखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वैसे ऑयल पेंट काफ़ी अच्छे होते हैं क्योंकि वो बारिश के मौसम में निकलते नहीं हैं और साथ में उनकी चमक बनी रहती है लेकिन ये काम हमको करना था तो हमने फटाफट से इस पर एक्रैलिक कलर कर दिया है ढेर सारे कलर किए हैं और एक बार में इसमें अच्छे से कलर आ गया था तो देखिए इस तरह से आप अपने ही घर में बेकार पड़े सामान से कबाड़ से अपने घर के वो अपने गार्डन को खूबसूरत बना सकते हैं कलरफुल बना सकते हैं और बिना खर्च किए हुए आप अपने गार्डन को खूबसूरत बना सकते हैं तो देखिए ये जो है तो ये प्लांटर भी बन गया था और आपको बता दें कि ये यदि आप अपने इंडोर प्लांट इसमें रखना चाहते हैं अपने लिविंग रूम को या अपने बेडरूम को ग्रीनरी से डेकोरेट करना चाहते हैं मनी प्लांट वगैरह रखना चाहते हैं तो इस तरह के प्लांटर आप ज़रूर बनाएँ तो ये इंडोर और आउटडोर दोनों जगह पर बहुत अच्छे से चलते हैं इसमें आप कटिंग लगा सकते हैं और साथ में मनी वगैरह भी इसमें पानी में करके लगा सकते हैं किसी ग्लास वगैरह में या किसी बॉटल वगैरह में मनी प्लांट लगा दीजिए और फिर इसमें रख दीजिए इधर पर देखिए हमने तीसरा बनाया हुआ था तो इधर पर भी ब्लैक कलर किया है और बहुत ही सिंपल सी डिज़ाइन इस तरह से बनाई थी तो तीनों ही प्लांटर जो है तो बहुत जल्दी बन गए थे और बिल्कुल भी इसमें टाइम नहीं लगा था तो बहुत ही खूबसूरत से ये प्लांटर बन के तैयार हुए थे तो चलिए अब बताना आपको है बारी आपकी है कि आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा जिससे कि हमारी वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन है तो वो आपके पास पहुंच जाएगी तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा खुश रहिएगा और दूसरों को खुश रखिएगा थैंक यू फिर मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बेकार पड़े हुए डिब्बे जिनका कोई भी यूज़ नहीं था कितने खूबसूरत से ये प्लांटर जो हैं तो वो बन के तैयार हो गए हैं देखने में भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और जब आप इसमें अपनी कटिंग लगाएंगे और अपने प्लांट लगाएंगे तो सोचिए कि आपकी काफ़ी बचत जो है तो वो हो जाएगी तो चलिए फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में